गाइस आज की ये जो वीडियो है कुछ अलग लेवल का होने वाला है। ये जो सिंबल देखा आप लोगों को इसका मतलब पता है? ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब इसका शब्द शांति है और यहाँ पे दूसरे साइड में भी देखो इसका भी अर्थ शांति है। अब ये फिर आप लोग ये बताओ, जब गीता में क्या लिखा गया है आप पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना तो सबको आता ही होगा, तो फिर आप ध्यान से पढ़ो क्या क्या है। तो फिर मेरा एक सवाल है, क्या जब हमारी जो मुहर्रम होता है, ईद होता है, बकरीद होता है, क्या आप लोग साथ नहीं देते हो? और फिर आपकी जो पूजा होती है, क्या हम लोग मतलब मुसलमान लोग आपके वहाँ पे साथ नहीं देते? तो फिर जब यार हम सब एक साथ में सब कुछ करते हैं, तो फिर एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए विद्वेष क्यों है यार, क्यों लड़ाई करते हैं? ये मतलब कतई बहुत ही गलत है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, और जो मुसलमान ये सोचते हैं कि हिंदू लोग हमारे दुश्मन है, तो ये उसकी सोच में यार बहुत बड़ा खोट है यार, उसके चक्कर में कोई भी मतलब नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियो 18 से 25 साल की उम्र में उम्र के बंदे लोग ज़्यादा देखते हैं, तो ये यार मैंने सोचा कि यही सही वक्त है यार, ये बहुत सही उम्र है ये सब सोचने का, क्योंकि यार अभी से मन में ये बिठाना चाहिए कि यार ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो कहानी है ये गंदा वाला कहानी है। हमारे मन में तो यार एक सोच होनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त हैं, उसके बाद जो कुछ भी है गाइस, जो कुछ भी है सब उसके बाद है। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सब बाद में है यार। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी परिचय क्या होते हैं? हम इंसान हैं, ठीक है ना। तो फिर जब ये सब हमारे इंसान सबसे पहले है गाइस, फिर आप ही सोचो ना कि यार जो मतलब जितने भी त्यौहार होते हैं हम सब एक साथ मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? जब एक दूसरे की मुसीबत में हम सब एक दूसरे के साथ आते हैं कि नहीं आते? तो फिर जब हम मतलब कहीं ना कहीं हम भी ये सोचते हैं कि हम पहले इंसान हैं बाद में बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग खास करके ये पॉलिटिकल लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहें, ताकि क्या होगा पता है, उन लोगों को वोट कम आएगा, और ख़ास करके ये धर्म के नाम पर जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम सब एक साथ होकर रखें, ताकि यार ये लोगों के बिजनेस नहीं चलेगा यार। फिर इन लोगों से बहुत ही सावधान रहना यार, बहुत सावधान रहना। आज का मेरा ये जो सवाल है कि आपके मन में क्या चल रहा है, मतलब आप क्या सोचते हो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में क्या सोचते हो, और फिर मानव धर्म के बारे में आप क्या सोचते हो? जवाब में ज़रूर जवाब देना यार। और ये न्यूज़ यार पूरे मतलब पूरे दुनिया में फैलना चाहिए। सबसे मुझे ये वीडियो में लाइक नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइक नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब करो या ना करो ये भी आपके ऊपर है, लेकिन गाइस इस वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे दुनिया से ये पता होना मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में हम पूरे दुनिया वालों की क्या राय है, कि हम लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहले इंसानी धर्म है, इंसानियत है, या फिर कितने लोग हिंदू मुसलमान को मतलब आगे रखते हैं, और कितने लोग मतलब सब सारे धर्म के ऊपर इंसानी धर्म में ये सोचते हैं, ठीक है गाइस। ये सवाल मुझे इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए गाइस, जिसके मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना गाइस, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। क्योंकि मुझे ये जानना है कि सब कितने लोग ये सोचते हैं कि धर्म सबसे आगे है, और कितने लोग ये सोचते हैं कि इंसान सबसे आगे है, ठीक है। तो गाइस सवाल का जवाब दे के जाना यार, और आगे शेयर करना, और उन लोगों से भी पूछना कि तुम्हारे राय क्या है गाइस। कम से कम ये तो पता चला कि हम जो सेकुलरिज्म देश में रहते हैं, इस सेकुलरिज्म देश में हमारा राय भी सेकुलरिज्म है, या फिर हम वही पुराने ख्यालात में पड़े हुए हैं कि वो हम मुस्लिम हैं वो हिंदू है, हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है, ये सोच कर इस सोच में डूबे रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही है, ठीक है, बाकी वीडियो आप देखो और सोचते रहो, ठीक है। सोच के बाद जवाब दो यार, लेकिन जवाब ज़रूर देना यार, जवाब ज़रूर देना।